हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है एक और भयंकर मतलब बिल्कुल भूचाल वाली वीडियो में। बिल्कुल मजा आने वाला आज की वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप सभी लोग अपने फ्री फायर के चैनल के लिए, अगर आपका फ्री फायर का चैनल है यूट्यूब पर, तो आप सभी लोग बैनर कैसे बना सकते हो। गाइस बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड आप सभी लोग को बताऊँगा, जिससे आप सभी लोग बिल्कुल चुटकियों में यहाँ पर बैनर बना सकते हो। गाइस जब मैंने यहाँ पर बताया है वीडियो के अंदर, तो थोड़ी सी मतलब लॉन्ग हो गई है वीडियो, ठीक है। बट अगर आप सभी लोग बनाओगे तो आप सभी लोग को 2-3 मिनट बस लगेंगे, ठीक है। और गाइस इसके लिए जो एप्लीकेशन वगैरह चाहिए होंगी वो मैंने आपको बता दी है प्रोसेस के अंदर ही, कैसे आपको डाउनलोड वगैरह करनी होंगी, और फॉन्ट वगैरह भी इस वीडियो के अंदर दिए हैं। और अगर गाइस आप सभी लोगों को किसी और यूट्यूबर के ऊपर वीडियो चाहिए, मतलब ये तो मैंने अपने जैसा बताया कि मैंने अपना बैनर कैसे बनाया, वैसे आप सभी लोग कैसे बना सकते हो। अगर आप सभी लोग को ये चाहिए कि आप बैज 99 मैसेज, मतलब कोई भी यूट्यूबर है उसके जैसा बैनर कैसे बनाना है, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप सभी लोग को बता दूंगा कि कैसे उसकी तरह वीडियो मतलब बनाते हैं, संडे को बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को क्या करना है, पिक्सआर्ट की मोड एपीके डाउनलोड कर लेनी है। ये देखो मेरे में पिक्सआर्ट डाउनलोड है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप सभी लोग क्या करना है, क्रोम पर आना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है यूट्यूब बैनर टेम्पलेट, ठीक है। और फर्स्ट जो यहाँ पे आप सभी लोग को इमेज देखने को मिल रही, इसको देर तक दबाना और डाउनलोड इमेज दबा देना। गाइस हम लोग की इमेज देखो डाउनलोड हो जाएगी अभी, ठीक है। फिर आप सभी को दोबारा से बैक कर लेना है, बैक करने के बाद दोबारा से आना है, ठीक है। दोबारा से सर्च बॉक्स मतलब होम करके सर्च बॉक्स डाल देना और यहाँ पे डाल देना daefont.com, ठीक है। daefont.com गाइस ध्यान से नाम में आप लोग याद रख लो, और बिल्कुल आपको सेम यही लिखना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो इस पर आने के बाद आप सभी लोगों को क्या करना है, आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको जूम करना है, तभी आपको यहाँ पे एक साइंस फिक्शन करके ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना है। और यहाँ पे देख सकते हो कितनी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे फॉन्ट आप सभी लोग को देखने को मिल रहे हैं। आप सभी लोग को इनमें से 5-6 लगभग फॉन्ट डाउनलोड कर लेने हैं। गाइस देखो एक फॉन्ट डाउनलोड मत करो, क्योंकि बाद में देखो फिर भी आपको बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग बहुत सारे फॉन्ट डाउनलोड कर लेना। मेरे पास बहुत सारे पहले से ही फॉन्ट पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई सा भी देखो इसमें से डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये वाला जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं जाऊँगा यहाँ पे पिक्सआर्ट में, आप सभी लोगों को पिक्सआर्ट खोल लेना, फिर प्लस दबा के एडिट आ फोटो दबा देना है। और फिर आप सभी लोगों को अपना वही टेम्पलेट चूज़ कर लेना है, जो आपने टेम्पलेट लगाया टेम्पलेट चूज़ कर लेना है। टेम्पलेट चूज़ कर लेने के बाद आपको दोबारा से ऐड फोटो में जाना है, और यहाँ पे बैकग्राउंड में जाकर आपको ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ब्लैक कलर का, ठीक है। और फिर उसको थोड़ा सा मतलब देख सकते हो ऐसे कुछ आ जाएगा आपके पे, फिर आपको देखो ऐसे करके सेट कर देना है, ठीक है। और अब मैंने देखो वीडियो को लैंडस्केप मोड पे कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको सही से समझ में आया। तो आपको देखो इसको सेट कर देना है, जो आपको ये जो दिख रहा है ना थोड़ा सा डार्क वाला रीजन, उसके अंदर सेट कर देना, जैसे मैंने सेट करा, देख सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। ऐसे करके आपको सेट करने के बाद में आप सभी को इंपोर्ट करना है एक स्टीकर अच्छा सा। और गाइस अगर हो सके तो अपने चैनल का लोगो ऐड करो। लोगो को कैसे ऐड करोगे, अब आप अगर आपके पास है गैलरी में पड़ा हुआ तो ऐड फोटो कर लेना, वरना गाइस मैं फ्री फायर जैसे ही सर्च करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा नीचे देखो मेरा लोगो मिल जाएगा, कहाँ गया ये रहा देखो गाइस नीचे है। और अगर आप सभी लोग को अपना लोगो नहीं समझ में आता तो आप कोई सा भी देखो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो है सेलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा नीचे करके छोटा कर दिया, ठीक है। और छोटा कर देने के बाद में मैं गया यहाँ पे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप सभी लोग को ह्यू वाला ऑप्शन दबा देना है, ठीक है। ह्यू वाला ऑप्शन दबाने के बाद आप सभी लोग अगर आपको इसको ऊपर नीचे करोगे तो आपके उसका जो वो होता है कलर वो चेंज होता चला जाएगा। तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव में कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव में कर देना। ब्राइटनेस थोड़ी सी देखो डिक्रीज कर देना या फिर उतनी ही रहने देना, तब भी सही है। कंट्रास्ट थोड़ी बढ़ा देना और सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा देना, फिर आप सभी लोगों को टिक कर देना। उसके बाद आप सभी लोगों को जाना इफेक्ट पे, और इफेक्ट के अंदर जो HDR वाला इफेक्ट है उसको यहाँ पे लगा लेना, और दो बार HDR को टैप करोगे तो आप सभी लोगों को ब्लर जो मिलेगा वो ब्लर जीरो कर देना, और सैचुरेशन मतलब थोड़ी सी बढ़ा देना, 50 के करीब कर देना, कितनी भी कर देना, ठीक है। और अब आप सभी लोग देख सकते हो हमारा इफेक्ट वगैरह लग के अच्छा लग रहा है ये वाला फोटो। अब हम लोग लगाते हैं दूसरा स्टीकर, तो दूसरे स्टीकर के लिए मैंने सोचा कि मैं रेड क्रिमिनल लगा देता हूँ, तो वही मैं देख रहा हूँ रेड क्रिमिनल, और ऊपर देखो निकल गया ये रहा रेड क्रिमिनल। और अगर वहाँ यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टीकर मिलेंगे, आप जो स्टीकर चाहना आप वो वाला स्टीकर यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और रेड क्रिमिनल चूज़ कर लेता हूँ। ओके गाइस मैंने रेड क्रिमिनल यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब गाइस देखो इसको थोड़ा सा आपको छोटा कर देना है, ठीक है, ताकि हाथ इसका दिखे, मतलब ठीक है पूरा हाथ वगैरह दिखना चाहिए। अब आपको दोबारा से इस पे जाना इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, और फिर दोबारा से HDR कर देना, और HDR के अंदर ब्लर कम कर देना। गाइस इसमें ह्यू मत करना, क्योंकि उससे इसका कलर चेंज होता है, बहुत अजीब लगता है, ठीक है। तो अब आप सभी लोग देख सकते हो हमारी दोनों चीज़ें सेट हो चुकी है। आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, बट जब आप अपने बैनर पर लगाओगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये, ठीक है। और अब मैंने देखो इसको थोड़ा आगे पीछे देखो सेट करा है, ठीक है।
अब गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूँगा। टेक्स्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को लिख देना है यहाँ पे कुछ भी। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ, अब गाइस देखो मैंने गलत नाम लिख दिया तो मैंने सही लिख कर दिया है, ठीक है। अब आप सभी लोग देख सकते हो मैंने नाम लिख दिया। आप कहोगे कि भाई फॉन्ट कैसे आएगा, तो फॉन्ट के आप सब लोग को बैक आना है और जाना है आपके फाइल मैनेजर में, ठीक है। मेरा फाइल मैनेजर देखो मैंने यहाँ पे सर्च करा, ठीक है, माई फाइल्स करके, ठीक है। तो मेरा फाइल मैनेजर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और अब आप सभी लोग को अपने भी फाइल मैनेजर में जाना है और वहाँ पे डाउनलोड का अगर कोई ऑप्शन मिले तो डाउनलोड के ऑप्शन पे ले जाना, और फिर आप सभी लोग को जो अपना फॉन्ट होगा वो दिख जाएगा, उसको दबाने के बाद एक्सट्रैक्ट दबा देना, बस और कुछ नहीं करना गाइस, केवल एक बार एक्सट्रैक्ट दबाना है। फिर आपको दोबारा से पिक्सआर्ट में आकर ये जो आपको दिख रहा है मतलब अपना फॉन्ट, उसके अंदर जाकर ऐड फॉन्ट माई फॉन्ट करके ऐड फॉन्ट दबा देना दो बार, ठीक है। और फिर आपको ये देखो ये देखने को मिल रहा है, इसको दबाकर इसको दो देर तक दबाना, सेलेक्ट कर देना, थोड़ी देर लोड लेगा, उसके बाद देख सकते हो आपका फॉन्ट आ चुका है। तो ऐसे ही करके आप सभी लोगों को अपने बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे ऐड कर लेने हैं, और देख सकते हो मैंने कितने सारे ऐड कर रखे हैं। और ये जो TDS करके जो एक फॉन्ट है मुझे बहुत ही ज़्यादा सच्ची में अच्छा लगा, तो इस वजह से मैंने जो है यही देखो इसके अंदर लगाया है, ठीक है। अब आप सब लोग को कुछ इस प्रकार से देखो सेलेक्ट कर लेना है, और मैंने देख सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अभी हम सब लोग इसका कलर चेंज करेंगे, तो हम सब लोग क्या करना है, ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पर जाना है, और दोनों साइड पर आपको जो भी कलर अच्छा लगे, कोई सा भी अच्छा सा कलर लेना, मतलब प्राइमरी कलर्स में से आप सब लोग लेना, जैसे रेड हो गया और येलो हो गया, ऐसे करके आपको कलर लेना जो कि दूर से देखने में मतलब अच्छा सा लगे। और वैसे आपको सेम दूसरे वाले के साथ में कर देना, नीचे भी कुछ ना कुछ आप लिख देना आराम से, जैसे मैंने लिखा है डेली वीडियो @6 PM, ठीक है। तो ऐसे करके आप सब लोग को लिख देना, ठीक है। पीछे कोई भी इफेक्ट वगैरह डाल के नहीं डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि गाइस अगर आप दूसरे लोगों की तरह करोगे तो बस वो तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सब लोग क्या करेंगे, इसके अंदर शेडो लगाएंगे, तो शेडो के लिए आपको एडजस्ट फुल कर देना है, पोजीशन को 100-100 कर देना दोनों को, ठीक है। फिर आपको जाना कलर वाले ऑप्शन पर, नीचे कलर का ऑप्शन दिखेगा शेडो के अंदर, शेडो का कलर दबाने के बाद में आप सब लोगों को नीचे बढ़ना और येल्लो जो है आपका कलर वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने केवल देखो इसके अंदर शेडो लगाया है, जो ये आपको दिख रहा है HUTF लिखा हुआ, केवल इसी वाले के अंदर मैंने यहाँ पे शेडो लगाया है और दूसरे वाले के अंदर यहाँ पे नहीं लगाया है। गैस तो आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पे येलो कलर का हमारे पीछे शेडो लग चुका है। अब मैं जाऊँगा स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे और मैंने ब्लैक कलर का स्ट्रोक यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब गैस देख सकते हो हमारा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में मैंने, ठीक है। अब आप सभी लोग क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर देना, आगे बढ़ा देना जितना हो सकता है उतना। ये देखो आपको ये जो देखने को मिल रही लाइन, इसको बिल्कुल आगे आगे तक कर देना, ठीक है। अब आपको कुछ भी मतलब स्टिकर वगैरह छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। अब आपको दोबारा फ्री फायर सर्च पे नीचे बढ़ना है और यहाँ पे कोई सा भी अच्छा स्टिकर लगे वो थोड़ा सा दूर करके ऐसे लगा देना, जैसे मैंने MP40 जो है मैक्स MP40 वो वाली वो सेलेक्ट करी और थोड़ी सी मतलब थोड़ा एंगल उसका थोड़ा चेंज कर उसको मैंने देखो लगा दिया इधर साइड पर भी। और अब हम लोग इसकी एक और सेम ऐसी कॉपी लेंगे, स्टिकर पे जाके दोबारा से इंपोर्ट कर लेंगे। और फिर मैं जाऊंगा देखो इसको रोटेट करने के लिए, फ्लिप रोटेट दबाकर ये वाला ऑप्शन कर दिया, और आप देख सकते हो मेरी रोटेट हो चुकी है MP40। तो मैं इसको भी छोटा करके वैसे ही लगा दूंगा जैसे लगी हुई थी, ठीक है, उसी एंगल पर लगभग थोड़ी सी लगा दूंगा कि ताकि वैसे ही लगे कि हाँ वैसे ही लगी हुई है। तो अगर देख सकते हो गाइस देखो अब मुझे लग रही है थोड़ा बहुत सेम, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा बिल्कुल बैनर रेडी हो चुका है। और चलो गाइस फिर अब हम लोग इसको बैनर को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड हो चुका है, अब मैं आप सब लोग को दिखाता हूँ गाइस। आप सब लोग देखो आपको ऐसे लगा देना है, ठीक है, मैंने लगा दिया। अब आप सब लोग देखो कि मेरा बैनर लग चुका है और देख सकते हो कैसा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है बैनर, ठीक है। सो गाइज यार ये थी छोटी सी प्रोसेस जिससे आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल के लिए बैनर बना सकते हो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्री फायर का, ठीक है। तो गाइज अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और वीडियो कुछ भी समझ में ना हो तो वीडियो